What's up guys, this is Rajma Singh and again I'm over before you to present a new lesson, and the name of the lesson is Location and Extent. As I discussed in the previous three videos that this year we are going to study about India as well as the Brazil, the geography of India and Brazil, and in each and every lesson we are going to do the comparison between this both the nation. So this video ke andar hum baat karenge ki Brazil ka location kahan par hai aur India ka location kahan par hai in terms of latitude, longitudinal wise as well as the हेमिस्फीयर वाइज कि कौन सा हेमिस्फीयर में कौन सा कंट्री लोकेटेड है. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो और चलिए शुरू करते हैं. सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विथ इंडिया. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिया से. तो बता दूं आपको कि इंडिया का जो लोकेशन है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेमिस्फीयर वाइज, सो इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्यों? क्योंकि जैसा कि आप देखते हो कि नॉर्थ इंडिया का लोकेशन बेसिकली आप देखोगे अगर इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है और प्राइम मेरिडियन जस्ट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लोकेट करता है, इसलिए इंडिया का लोकेशन जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है. इंडिया की जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 degree 4 minutes से लेके 37 degree 6 minutes नॉर्थ में, और जब लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट की हम बात करते हैं इंडिया की तो वो है 68 degree 7 minutes ईस्ट से 97 degree 25 minutes ईस्ट तक. तो ये था इंडिया का लैटिट्यूडनल एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट. बात करते हैं हम ब्राज़ील की. तो ब्राज़ील का जो लोकेशन है बेसिकली देखा जाए तो नदन सदन एज वेल एज दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में उसका लोकेशन आता है, क्योंकि उसका कुछ पोर्शन जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी जाता है, कुछ पोर्शन जो है उसका साउथ हेमिस्फीयर में भी जाता है, कुछ पोर्शन जो है उसका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी रहता है. तो इसलिए बेसिकली हम ब्राज़ील को ऐसा बोल सकते हैं नदन सदन एज वेल एज दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही एक कंट्री लाया करता है. इसकी जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ब्राज़ील के वो है 5 degree 15 minutes नॉर्थ से लेके 33 degree 45 minutes साउथ में, क्योंकि कुछ हिस्सा जो है इसका नॉर्थ में है और कुछ हिस्सा जो है इसका साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर, इसलिए हमने नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पर यूज़ किया है. जो सेकंड उसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है उसका 34 degree 45 minutes वेस्ट से लेके 73 degree 45 minutes वेस्ट में, ये है ब्राज़ील का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट. तो यहाँ पर हमने इंडिया और ब्राज़ील के लैटिट्यूडनल एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बात कर ली है. अब हम दोनों कंट्री के कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं. तो इंडिया का जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली और ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया. अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करने वाले कि कंट्रीज, विच आर द कंट्रीज हु शेयर द नेशनल बाउंड्रीज विद इंडिया एज वेल एज द ब्राज़ील. तो हम अब उन कंट्रियों के बारे में बात करने वाले हैं जो ब्राज़ील और इंडिया से नेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इंडिया से. तो इंडिया के साथ कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज जो नेशनल बाउंड्री शेयर करती है, तो देखते हैं सीक्वेंस वाइज हम देखेंगे. तो सबसे पहला जो है आपका आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद है आपका अफगानिस्तान, नेक्स्ट वन इज योर चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार. दिस आर दी सम कंट्री विच शेयर द नेशनल बाउंड्रीज विद इंडिया. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल बाउंड्रीज मीन्स व्हाट, नेशनल बाउंड्रीज आर दोज बाउंड्री विच आर शेयर्ड बाय बोथ द नेशन. एक्चुअली ऐसे नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज बहुत आते हैं. इंडोनेशिया भी नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, उसके बाद मलेशिया भी नेबरिंग कंट्री है, बट दे आर नॉट शेयरिंग द नेशनल बाउंड्रीज विद इंडिया, सो दे विल बी नॉट इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट. सो बेसिकली व्हाटएवर द नेम आई हैव टोल्ड यू, दे आर गोइंग टू बी शेयरिंग द नेशनल बाउंड्रीज विद इंडिया. तो ये थे कुछ कंट्रीज जो इंडिया के साथ नेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं. अब बात करते हैं उन कंट्रीज़ की जो नेशनल बाउंड्री शेयर करती हैं आपकी ब्राज़ील के साथ. तो सबसे पहले जो आपकी कंट्री है वो है फ्रेंच गुइना, उसके बाद गुइना, देन वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलविया, अर्जेंटीना, पेरुग्वे, उरुग्वे. दिस आर दी सम कंट्रीज विच शेयर दी नेशनल बाउंड्री विद ब्राज़ील. ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ब्राज़ील के साथ अपना नेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं. सो आई एम वेरी मच क्लियर टू ऑल पीपल. हमने लोकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने उनके हेमिस्फीयर वाइज लोकेशन के बारे में डिस्कस किया, हमने कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस की जो उसके साथ नेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं. इंडिया के साथ कौन कौन सी कंट्री नेशनल बाउंड्री शेयर करती है, ब्राज़ील के साथ कौन कौन सी कंट्रीज नेशनल बाउंड्री शेयर करती है. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगले वाले वीडियो के अंदर, इन द नेक्स्ट वीडियो, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ दी नेशंस एज वेल एज व्हाट काइंड ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया हैव, व्हाट काइंड ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड द ब्राज़ील हैव, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.